आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुदी पड़ी है। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आप सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मकसद बीजेपी का यही था कि केजरीवाल जी जो तेज़ी से काम कराते हैं वो रोक दिए जाएं। ये सड़क भी उसी की एक मिसाल है कि केजरीवाल जी को अंदर डाला और ये काम रोक दिए। आज इस इलाके के लोग परेशान हैं, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को कहा है कि दिल्ली की सारी सड़कों को ठीक कराएं, सारे मंत्रियों को कहा है कि वो युद्ध स्तर पर सड़क पर काम करें और सड़कों को ठीक कराने पर काम करें। आज सौरभ भारद्वाज जी पूर्वी दिल्ली में मेरे साथ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी ने जब बीड़ा उठा लिया है तो दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाएंगी। बीजेपी की बहुत कोशिश थी कि सड़कों के ज़रिए लोगों को परेशान किया जाए, केजरीवाल जी के काम रोके जाएं। इन्होंने बहुत कोशिश की है केजरीवाल जी को रोकने की। आपको याद होगा जब 2015 में सरकार बनी थी तो कभी ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कब्जा कर लिया, कभी इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास पावर्स होंगी, तो ऑर्डिनेंस ले आए, फिर भी काम नहीं रुके, फिर भी केजरीवाल जी काम करते रहे। अब जब हर तरह से काम करते रहे तो फिर इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाला, और जेल में डाला ताकि काम रुकें और लोग परेशान हों। थोड़ी परेशानी हुई भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब बाहर हैं केजरीवाल जी और आ गए हैं, तो अब सब काम कराएंगे, कहीं कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा, सड़कों को भी ठीक कराया जाएगा।